हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन संख्याओं का एक खास ट्रिक, जिसे आप देख कर कहेंगे कि गणित में भी ऐसा कोई खास ट्रिक होता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणित में भी नहीं बल्कि गणित में ही ऐसा होता है। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम संख्याओं को बिना पेन बिना पेपर के कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ट्रिक नंबर वन, जब दो अंकों की संख्या में इकाई अंक समान हो तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इकाई अंक को आपस में गुना कर देना। दोनों के इकाई अंक को आपस में गुना कर दिया गया, उसके बाद क्या करना है कि 5 को 3 के मतलब दहाई अंक जो समान नहीं है उसको आपस में जोड़ कर इकाई अंक कॉमन ले लेना है। ठीक है, 4 कॉमन है 4 हमने ले लिया, 5 और 3 अलग है तो उसको जोड़ दिया और आपस में गुना भी करना है। उसके बाद बचा है दोनों अंक संख्याओं का दहाई अंक 5 और 3, इसको आपस में गुना कर देना है। अदरवाइज आपको शॉर्ट में ही करना, पेन पेपर का यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, वैसे ही बन जाएगा आपको। हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाना है, मकसद ये है। 4 चौका हो जाएगा 16, 5 3 8, 8 चौका हो जाएगा आपका 32 और 5 3 हो जाएगा आपका 15। अब क्या करना है कि 16 में 6 लिखेंगे, 1 हासिल इधर भेज देना है, 32 और 1 33 में 3 लिखना है, हासिल 1 इधर भेज देना, 15 और ये 3 हो जाएगा आपका 18। यहाँ 3 हासिल है यहाँ 1 हासिल है। ठीक है, आगे शिफ्ट कर देंगे तो 54 को 34 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1836। अब देखो शॉर्ट में कैसे करना, बिना पेन पे करके कैसे करना है। 4 को 4 से गुना करना है 16, 16 में 6 हासिल में 1, जो कॉमन अंक है 1 जैसा है उसको गुना करना है उस अंकों के साथ जो बराबर नहीं है, तो 5 और 3 को जोड़कर 4 से गुना करते हैं, 5 3 8 8 चौका 32 और हासिल में 1 33 में 3, हासिल 3 बचा और वो 5 को और 3 को गुना करना, 5 3 15 3 18 हो गया आंसर। जब दो अंकों की संख्या में दहाई अंक समान हो तो उसके लिए फिर से वही करना है कि इकाई अंक को आपस में गुना कर देना, उसके बाद दहाई अंक चूंकि 1 जैसा है तो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, और इकाई अंक को आपस में जोड़कर गुना करेंगे, 3 और 4 को जोड़कर 8 से गुना करेंगे और दहाई अंक को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन वैसे होगा जैसा उसमें था वैसे इसमें। अब क्या करना, 3 को 4 से गुना करना 12, 3 4 7 7 8 56 और हो जाएगा 8 8 64। अब 12 में 2 उतरेगा, 1 हासिल इधर गया 57, 7 हो गया 5 यहाँ जाएगा 64 और 5 हो जाएगा आपका 69। ये हो गया आपका आंसर। इसको शॉर्ट में कैसे करना है, तो 4 को 3 से गुना करना, इकाई अंक को 4 3 12, हासिल में 1 हो गया, उसके बाद कॉमन अंक को छोड़कर 1 लेकर मतलब 8 8 को 1 करके 4 और 3 को जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7 और 8 56 और हासिल 1 था 57 7 आया, 5 हासिल गया, दहाई अंक है 8 8 64 और हासिल 5 था 64 और 5 हो गया 69। हो गया आपका आंसर। ट्रिक नंबर 3, दो अंकों की संख्या में दहाई अंक समान हो और इकाई अंकों का योगफल 10 होना चाहिए, तब ये तीसरा नंबर का ट्रिक बहुत आसान रहेगा आपके लिए। उसके लिए क्या करना है कि इकाई अंक को आपस में गुना कर देना है, 6 चौका 24 और दहाई अंक जो है 7 और 7 जो कि बराबर है, तो 7 में 1 बढ़ाकर गुना कर देंगे, 7 में 1 बढ़ाएंगे 8 7 8 56। ये हो गया आपका आंसर। कुछ और भी सवाल ले लो, 83 को हम गुना करते हैं 87 से, देखो क्या होगा, 8 और 8 बराबर है, दहाई इकाई अंकों का योगफल 10 है, तो 3 को 7 से गुना कर देंगे 21 और 8 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे 8 9 72। ये हो गया आपका आंसर, 7221।